दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पठानकोट शहर स्थित एक कबाड़ी की दुकान में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए पठानकोट पुलिस ने चोर को काबू कर लिया है। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए एसएचओ विपिन कुमार ने बताया कि अमित शर्मा नाम के व्यक्ति ने उन्हें शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी कबाड़ी की दुकान में चोरी हो गई है। तहकीकात के दौरान पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी को पठानकोट बस स्टैंड के पास से काबू कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रवेश कुमार निवासी प्रेम नगर के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमित शर्मा जो कबाड़ का दुकान कबाड़ी दुकान करता है बस स्टैंड पठानकोट के सामने, उसने कल एक सानू कंप्लेंट की थी कि उसका जिहड़ा दुकान दे विचों स्क्रैप का समान है वह चोरी हुंदा है। ये चोरियां रोकने वास्ते SSP साहब वालों पहला ही सारयां नूं जागरूक किया गया कि अपनी अपनी दुकानों से CCTV कैमरे लगाओ जिन्हां की मदद नाल जिहड़े दोषियों नूं फड़िया जाऊगा। यह पहला केस SSP साहब के दिशा निर्देशों तो बाद ये साढ़े को सामने आया कि हुणे ही कुछ दिन पहला इस अमित शर्मा ने CCTV कैमरा लगवाया सी। उहदे विच इहदे नाल दा गवांढी प्रवेश कुमार जो कि साइकलों की पंचरों का काम करता है, उन्होंने असी CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर अरैसट किया कल, और इस पासों उसकी दुकान चो सारा ही चोरी होया समान असी बरामद कर लिया।